Assalamu alaikum. I'm Azathar and you're listening micro lecture series Mind Insights from Nehjul Balagha. This is our session number 9 and today we'll talk about our thinking patterns. Ke kis tarah se hamare thinking patterns hamari kisi bhi problem ko double kar sakte hain ya hamare thinking patterns hamari kisi bhi problem ko half kar sakte hain. Hazrat Ali ibn Abi Talib karamullah wajhul kareem ka jo jumla zair behas hai wo hai al musibatu wahidatun fa in jazaa'ata kanat asnatain. कोई भी मुसीबत एक होती है अगर तुमने बेताबी का इजहार किया तो दो हो जाती हैं। हम अपनी डेली लाइफ में प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे होते हैं और ऑब्वियसली उन प्रॉब्लम्स से रिलेटेड हमारा एक थॉट प्रोसेस है जो मुसलसल चल रहा होता है, लेकिन ये जो थॉट प्रोसेस है ये किसी एक डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहा होता है, या ये प्रॉब्लम थिंकिंग की तरफ जाएगा या ये सोल्यूशन थिंकिंग की तरफ जाएगा। और मुसीबत जो है वो डबल कैसे हो रही है, अगर ये थॉट प्रोसेस प्रॉब्लम थिंकिंग की तरफ जा रहा है तो प्रॉब्लम थिंकिंग का जो अल्टीमेट रिजल्ट है वो सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस है। आप खुद को हेल्पलेस, खुद को रिसोर्सलेस फील करेंगे और किसी प्रॉब्लम में हेल्पलेस फील करना ये इट्सेल्फ एक और प्रॉब्लम है। इसे अभी एक्सपीरियंस करके देखिएगा। अभी करंटली अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम, आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, उस प्रॉब्लम के बारे में जस्ट अपने थिंकिंग प्रोसेस को ऑब्जर्व करें। जो क्वेश्चंस आपके सामने, अगर आप अपने थिंकिंग प्रोसेस को इस तरफ से डायरेक्ट करते हैं, व्हाट्स रॉन्ग, क्या गलत है, व्हेन डिड इट स्टार्टेड, कब से गलत हो रहा है, व्हाई इट हैपेंड, हो क्यों रहा है, हुज फॉल्ट, किसकी गलती है, किसकी वजह से हो रहा है, व्हाई इट्स नॉट सॉल्व येट, अभी तक सोल्यूशन क्यों नहीं निकला, अभी तक ये चीज़ें सॉल्व क्यों नहीं हुई हैं, चीज़ें गलत क्यों जा रही हैं, अपने थॉट प्रोसेस को ऑब्जर्व करें कि इस किस्म की थिंकिंग आपके अंदर जो फीलिंग जनरेट कर रही है वो फीलिंग किस किस्म की फीलिंग है, वो फीलिंग एम्पावरमेंट की फीलिंग है या वो फीलिंग हेल्पलेसनेस की फीलिंग है। अगर फीलिंग हेल्पलेसनेस की फीलिंग है तो वो मुसीबत में ज़्यादा बड़ी मुसीबत आपके लिए जनरेट हो रही है। इस चीज़ को अपनी डेली लाइफ में भी रिफ्लेक्ट करके देखिएगा कि किसी भी प्रॉब्लम में जो आपका थॉट प्रोसेस है वो किस तरह से मूव कर रहा है, प्रॉब्लम की तरफ मूव कर रहा है या सोल्यूशन की तरफ। अच्छा, अभी जो प्रॉब्लम, जो एक इशू आपने आइडेंटिफाई किया और जिसमें आपने ये वाले सवाल किए, सेम इशू में आप रिवर्स क्वेश्चन करके देख लीजिएगा। सेम इशू है लेकिन आप अपने आप से जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो ये, व्हाट एग्जैक्टली आई वांट, एग्जैक्टली चाहिए क्या, हाउ विल आई नो व्हेन आई एग्जैक्टली अचीव दिस आउटकम। अपने लिए कोई बेस लाइन सेट कर लें, कोई एक स्टैंडर्ड सेट कर लेंगे, आपको पता कैसे चलेगा कि आपका ये आउटकम जो है वो अचीव हो चुका। वेयर, वेन, विद होम, कब, कहाँ, किसके साथ आपको वो आउटकम अचीव करना है। बट रिसोर्सेज आई ऑलरेडी हैव, उस आउटकम को अचीव करने में जो रिसोर्सेज आपको चाहिए, जो लोग आपको चाहिए, आपको जो एबिलिटीज चाहिए, जो क्वालिटीज चाहिए वो आपके पास कितनी है, पैसा चाहिए वो कितना है, बाकी रिसोर्सेज आपको चाहिए कितने रिसोर्सेज हैं जो कि आपके पास अवेलेबल हैं, रिक्वायर्ड टाइम एंड एफर्ट क्या है, टाइम लाइन फिक्स कर लें, कितनी एफर्ट लगानी है, हु एल्स विल बी बेनिफिटेड विद योर आउटकम, यानी आपका वो जो आउटकम है अचीव होने से और बाकी कितने लोग हैं जो कि बेनिफिशियरी हैं। ये आपके माइंड को बहुत एक पॉजिटिव डायरेक्शन दे सकता है कि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा फायदे आना शुरू हो जाएंगे उस एक आउटकम को अचीव करने में, कि उस आउटकम के अचीव करने में आपके साथ साथ आपके इर्द गिर्द के और बाकी कितने लोग हैं जो कि बेनिफिशियरी रहेंगे। किसी एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें और इन दोनों डायरेक्शन में सोच के देखिए, पहली जो डायरेक्शन है क्या गलत है, क्यों गलत है, कैसे गलत है, और दूसरी डायरेक्शन ये जो क्वेश्चंस आपके सामने गिवन है। ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रही हो, यू कैन शेयर इट विद अदर्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।